हाय गाइस, वेलकम टू गुड्डू देव व्लॉग्स। तो मैं गई थी बंजारा मार्केट। मैं ये दूसरी बार बंजारा मार्केट गई, बिकॉज जब मैं पहली बार गई तो मैं थोड़ा देखने के लिए गई कि कैसे ये मार्केट वर्क करता है, और अब दूसरी बार गई तो मैंने सोचा अब एक व्लॉग बना लेती हूँ। जो लर्निंग मैंने ली है वो मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू बताती हूँ। तो व्लॉग शुरू हो इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज एंड ऑल्सो कॉमेंट। तो अभी मैं ना यहाँ पर इस वीडियो के एंड में ना आपको एक हैक बताऊंगी कि कैसे आप मिनिमम प्राइजेस पे, जो प्राइस आप अपने मुंह से निकालोगे उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट घर कैसे आप लेकर जा सकते हैं, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो अभी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बताई है अभी स्टार्टिंग में बताने के लिए कि ये वीडियो जो है किन चीज़ों के बारे में, एवरीथिंग, सोफे से लेकर के टेबल से लेकर के मैट से लेकर के कुशन से लेकर के घर का हर एक सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेडशीट, बेड कवर्स, सिरेमिक पॉट्स, एवरीथिंग। वॉच द वीडियो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर आई हूँ बंजारा मार्केट। ये देखिए, अब आपको मैं अलग अलग जगहों पे लेकर जाऊंगी और दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसा कैसा सब कुछ है और क्या क्या प्राइसिंग में अवेलेबल है। मेरी आंखें थोड़ी छोटी हो रही क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, यहाँ पर जार लिया जा रहा है। इनको क्या बोलते हैं? स्पाइरल पे तीन लगेंगे। स्पाइरल कितने का दे रहे हो ये? 1900 का सेट बताया था। 1900 का महंगा है। अनु, आपका क्या कहना है? आप लेना चाहते हो ये? पर कितने का लेना चाहते हो? ये 1900 बोल रहे हैं, आप कितने का लेना चाहते हो? 500। नहीं नहीं, ज्यादा बोल रहे हो यार। 300। ये जार जुना जुना ये वाले जार कितने से चाहिए? कितने की लेनी है? तीन अच्छा होता है, थ्री ऑड नंबर इज गुड। तीन का 300 यार, चल डन हो गया। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप लोग वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक द वीडियो, बिकॉज जब वीडियो लाइक होती है तो आगे और सजेस्ट होती है और जो वीडियो है वो ज्यादा लोग देख पाते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। ज्यादा क्लास बन जाएगी, इनको लग रहा है कि हाँ, कि इनको लगे कि ये बहुत ही महा कोई गरीब आए हैं, इनको सस्ते सस्ते कहां से 200-500 रुपए मिले और शॉपिंग करने आए हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छे अच्छे क्वालिटी के टेबल्स हैं यहाँ पर। देखिए कितने बढ़िया जो है डिज़ाइनर टेबल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप बाहर से लेने जाओगे बहुत महंगे मिलेंगे, बट यहाँ पर जो है आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो आप समझ के चल लो 1500-2000 में भी आप ये टेबल्स जो है अवेल कर सकते हो। कर करके ना एक ऐसे ऐसे करके हट्स, छोटे छोटे जुगिया टाइप्स बनी हुई हैं और वहाँ पर जो है लोग अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पे सारा चुकिया चुकिया है, यहाँ पे सामान वामान सब मिल रहा है। आई ना पसंद है? देखिए यहाँ पर ट्रेज, यार मुझे ट्रे लेनी थी घर के लिए ना। महंगा बता रहे हो यार। ट्रे अच्छी है अनु? हाँ अच्छी है। लू क्या घर के लिए? उसके लिए तो खाना लेके, खाना लेकर आऊंगी। कबाब होने चाहिए, नहीं चाय का कप होना चाहिए, खटक सर, मगर इसमें ऐसा है ना, गिरा तो सारा नीचे चला जाएगा। ये वाली भी सही है ना, लेकिन इनका टाइम के साथ ना हमारे पास थी, हाँ ये निकल जाता है। वो दूसरा वाला होता है ना, इसके ऊपर लेयर होती है सनमाइका टाइप की, वो वाला देख लेती हूँ कोई यहाँ पर होगा। तिजोरी में अपना सामान छुपा के रखूंगा। तय खाना, तेरी प्रॉपर्टी सारी इसी तिजोरी में होगी, है ना? अपनी जमीन के पाप के पेपर इसमें रखूंगा। जमीन के पाप फ्लावर पॉट्स जो है ऐसे एंटीक, जो आप बाहर मार्केट में देखेंगे आपको बहुत महंगे मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। लुक एट ऑल दीज एंटीक्स, किस्म के यहाँ पर बुद्धा है। ये आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप प्राइसिंग करने बैठोगे ना 1500-2000-3000 मैक्स, जो आप बाहर 10-12-15 हज़ार का लेंगे यहाँ आपको कम से कम में मिल जाएगा। भैया इसका क्या प्राइस है? 6,500 रुपये बोल रहे हैं, बट यू कैन गेट देम एट लोअर प्राइसेस। साहब यहाँ पे ना ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो
बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं ये वाला तीन लेगा, तो कोई कोई तीन बोल रहा है, कोई साढ़े तीन बोल रहा है। फाइनली एक जगह पे हमें 200 रुपए का मिल रहा है। हाँ ब्लू वाला प्यारा है। भाई इन्होंने हमें YouTube पे बताने के लिए बोला है कि ये 500 रुपए का, जबकि इन्होंने हमें 600 रुपए का दिया है। सोफे भी आपको मिल जाएंगे, सोफे चेयर्स, एक एक सोफा जो है देखिए कितने प्रॉपर जो है, अच्छे अच्छे जो आपको मॉल्स में देखने को मिल जाते हैं ना। फाइनल रेट बताओ, कौन से यह कलर बैठ के दिखाना इस पे। आयु आयु का बैठ जाओ, ये देखिए भाई बैठ के मजे से बैठ गए दो बंदे। अब इसका प्राइसिंग देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पे जब हमने इन दो चेयर्स का प्राइस पता कराया था तो इन्होंने 3000 बोला, बट हमने यहाँ से इनको प्राइस जो कोट किया था वो 1500 था। तो अभी तो हमें इन चेयर्स की उतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, इसीलिए हमने जाने दिया, वरना अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो आपको 1500-2000 में ये चेयर्स दो मिल जाएंगी। काफ़ी कम्फर्टेबल थी, मार्केट में आप लेने जाओगे तो 5-6 हज़ार के नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ब्यूटीफुल कलर है, बहुत बढ़िया है। बट एक चीज़ है, कंपटीशन है, बिकॉज हर जगह पर आपको सेम ही सामान मिलेगा, इसीलिए अगर आपको आपके प्राइजेस जो है वो नेगोशिएट करवाने हैं तो आप अलग अलग जगहों पे जा सकते हो, देख सकते हो कहाँ पे आपका प्राइस जो है वो फिक्स बैठा है। यहाँ के जो मार्केट है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर एक झुग्गी में आपको सेम सामान ही मिलेगा, इसीलिए अगर आपको प्राइसेस नेगोशिएट करने हैं तो आप घूमिए पूरा मार्केट, उसके बाद जो आपको चीज़ लेनी है उसका प्राइस फाइनल कीजिए और डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। जेन्युइन प्राइसेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम आपको जो आप बाहर मार्केट से लेते हो उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा और सामान भी बहुत अच्छा है। तो आइए बंजारा और सामान खरीदिए, बंजारों की तरह सामान खरीदिए। और ऑलरेडी तो आप, हाँ ये वासेस जो है यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए, जो आप मॉल में जाओगे ना एक आपको 2500-3000 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ से हम एक उठा सकते हैं, अभी इसको साफ साफ करके दो गर्म घर ले जाएंगे और हमें देख रहे हैं नाम मुन्नू जी चमकेगा मुन्नू फिर तू पापा को देखती रहेगी उठ उठ के, पापा मेरी बेटी। देखिए भाई बहुत ही अमेजिंग चीजें घर सजाने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एम फॉर मुन्नू जी है, एस फॉर संगीता भी है, वो भी गोल्डन देख सोने की तरह चमक रही है। चीज़ें यहाँ पे लेडीज़ जो है आप देखेंगे यहाँ पर सामान बेच रही है, तो कभी आप 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे सकते हो जो प्राइजेस है उससे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तमीज़ नहीं है तेरे को, लड्डू नहीं लेके आ सकती थी तो अभी लड्डू खाते पक्का ला सकती मगर अभी लड्डू मत खा। ये देखिए काम कर खिल बिच, ये देखिए अचार की बर्नियाँ, दही वगैरह जमा करने के लिए ना ये वाली बर्नियाँ बहुत अच्छी होती है, जमाने के लिए बहुत अच्छी बर्नी है। कब्ज़ देखिए, आप चाहो तो ये कब आपको 50 रुपये भी मिल सकते। ये देखिए यहाँ पर हम आए खाना खा रहे थे तो हमने कहा देखते बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो बहुत सही दिख रहा है। ये क्या बना है, आलू मटर और प्याज। ओहो, और ये रोटी कौन से आटे की है? आशीर्वाद आटे की है, मतलब गेहूं का आटा है। गेहूं का है। अच्छा बहुत बढ़िया, और उसमें कुछ घी भी लगाया है क्या? मैं नहीं खाती, लड़का खाएगा। अच्छा लड़का घी खाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया खाना है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आपका मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दूं? हाँ करो करो, लिखो गुड्डू दे व्लॉग्स। लिया बहुत बड़ा मैट 73, कितना बड़ा है ना, और कितना अच्छा कलर है, कितना का है? दी कितने का आंटी? ये वाला यार दीदी परसों मैंने लिया, इसका कितना बताओ? वीडियो कम करके प्राइस बता देती हूँ। बंद 300-400 वाली चीज है, कितने की चीज है? सही रेट लगाओ, ले 400 की।
जो चीज़ें ना आप होम सेंटर आईकिया ऐसे सब स्टोर्स पे देखते हो ना लाइफस्टाइल के होम सेंटर और सब में, तो वो वहाँ पे इतनी कॉस्टली होती है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर थी और क्या मिनिमम प्राइसेस पे, 200 से स्टार्ट हो रहा था, 150 से स्टार्ट हो रहा था, और प्लस यू हैव दी यू नो आपके पास एक और साइड है यहाँ पे कि आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप चीज़ों के प्राइस कम दाम कर सकते हो, तो वो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे थी और मेरे को तो ये सब आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ें नहीं, अनु सीधा बहुत बड़ा सामान ले रही है, वो है ये झूला, से पसंद आया है, वो बोल रही है इसी पे बैठ के ऑफिस करूँगी, इसी झूले पे बैठ के। कितना बोल रहे हैं इसका अनु, कितना बोल रहे हैं? वो सास 20,000। आपका प्राइस नहीं बताऊंगी, बट आप बताओ। वीडियो में रेट बताओगे भी नहीं? मगर ये बताओ आप राजस्थान से हो? हाँ जी। राजस्थान में कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ की रानी भी थी ना? हाँ जी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की थी? अच्छा, जिसने वो जौहर किया था। तो अभी जो आपने पीछे झूला देखा उसका प्राइस तो उन्होंने कोट किया 20,000, बट अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो आई कैन अश्योर यू कि 12,000 इज द प्राइस एट विच यू कैन गेट दैट झूला फॉर योरसेल्फ, और इवन लेस देन दैट अगर आप बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं तो। ये क्या, ये वो छिया पे? हां जी बता क्या कुछ सोच, मगर क्यों था मतलब कुछ असल छ, सॉरी वो बाउल दे कितना सही है। बियर दारू वगैरह ऊपर से डाल दी ना? हाँ, ऊपर से डाल दी, लहू डाल, ये सही है यार, नीचे से खोला। हाँ, ये बहुत सही है। हाँ, थक तो यहाँ से निकाला। ये वाला भी सही है, इसमें पानी भी, वो दोनों चीजें। हाँ, दोनों यार, ये बेस्ट है। हाय, ये 2000 अनु, ये अनुज कितना ज्यूट छ, ये 20 ये जो बॉटल, ये है वाइन रैंक, इसमें वाइन्स रहेंगे। हाँ, ये कितने की है दीदी? घर आए तो आप ये ला सकते हो जिसपे वो बैठ सकते, बैठने के लिए। वही बोरी बंदा ऐसे बैठेगा और फिर खाना खा लेगा। ये टेबल देखो यार, वाओ। दीदी ये क्या है इसका? आपको तो बहुत टाइम हो गया यहाँ घूमते हुए और आ रहा है मजा। अभी हम चले एंटीक देख ले, साइड हो जाए यार, धक्के पड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। सुंदर मार्केट है यार। एक मिनट है, अचार के टूट ना जाए। ये हम चासू सा जो मत ना देख, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें है यार, और ये टूटने वाला भी नहीं है यार। 280 में बता रहे, मैं आपको एक और क्या बोलते हैं, कुरान और बाइबल। वाह, देखिए कितनी सेक्युलर बंदी है, सोच रही है गीता कुरान और बाइबल तीनों को साथ में रखने का। ये तीनों जिसको साथ में पढ़नी है वो ये ले सकते हैं। वाह, ये सही है यार, है ना, इसमें जितना जितना भरेगा उतना उतना इसके मुंह को रंग आता जाएगा यार। सही है, और ये भाई भी आ रहा है ले घर के लिए आइस उठाने का साथ। हाँ, ये मार दे, ये मार देने के लिए, मतलब कोई भी ऐसे होगा ना। M1 मैं थी, खुद में खोरस, ये मेरे पैर पे चढ़ा। अरे इट्स ओके, इट्स ओके, नो सत्तन के मूवी देखने जाते थिएटर। लिथियम रिजर्व जहाँ मिले लिया सुन ना 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 बनी बन पागल क्या लिया? देखो ये वही लिया ना, अच्छा लगा।
अच्छे हैं। आयु कैसा लग रहा है आपको यार, आपको लेना चिराना? अब ये ले दे कर किया तो फिर और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा, नहीं मैं नहीं ले दे सकती, इसको वापस रख दे। ये दिन है आपके पास, इधर कुशन कवर्स देखिए, सेट्स मिल जाएंगे आपको मिनिमम प्राइसेस पे। ये लट्टू है बैठा, वो एक अंकल है, ये लट्टू ये ड्रॉस पे लगाने के लिए, हाँ सिंदूर डालने के लिए। होता है यार कभी कभी हो जाता है, दो मिनट, हाँ ऐसे ही होते हैं यार, दो मिनट। ये ड्रॉर्स के नॉब्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप दे विल गिव मी दिस फॉर यार बुछस गायर छू ना मैं ड्रॉर उससे मैं लगाती हूँ। ये सारी वैरायटीज है, आप अपने ड्रॉर्स को हर दिन नया दिखा सकते हो इन वैरायटीज से। देखो बैग्स में आपको ये सब मिल जाएगा, यहाँ पर तो मैंने लिया है ये वाला 3 का सेट फॉर 500। ये मैंने ले लिया ये वाला, साइज़ इसके बड़े बड़े हैं, बड़ा दिखा, हाँ बड़ा बहुत बड़ा है। देखिए भाई ये भैया जो है हमें दे रहे हैं ये सिरेमिक पॉट्स, 100 में 3 सिरेमिक पॉट जो भी आप उठा लो। आई दिखाना हाथ में, इसका कलर ही हट गया, इसका कलर हट गया, आए नहीं है ना कलर बटे वाले। फिर हम पौधे पूछ के आ गए, 600 का 600 रुपए का जिम शूज में होते सर पे, ये तो ऐसे ही उग जाते हैं। हाँ ये तो ऐसे ही उग जाते हैं, ये हमने लगा ये गमले में लगाए। भैया ये स्नेक वाला कितने का आगे रखा हुआ है, वो वाइट वाला ये वाला, ये भी रहता है प्रॉपर, वो भी प्रॉपर इंडोर रहता है। ये यार अच्छा लग रहा है, वो पीछे बड़े पत्तों का लो तो थोड़ा दिखेगा, दिखेगा नहीं वो दूसरा भी। इनको स्नेक से कुछ वो है, क्या है स्नेक से क्या, ये नागन तो नहीं है कहीं अंदर से, नाग नागन का जोड़ा, इसी का लिपट जाऊंगी। 300 में ले लिया हमने दो पौधे, क्या गए दो गमले भाई, चलिए दो गमले लेकर के हम लोग। एंड गाइस इसी के साथ इतना ही हम बंजारा मार्केट में अभी घूम सके, अब हम जा रहे हैं बिकॉज अन्नू को जो है भूख लग रही है, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम निकलते हैं कुछ खा वगैरह लेते हैं, से फिर नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाली है तो आज हम अपनी भूख को करते हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी भूख को, बाय बाय। इसीलिए आज हम थोड़ा कुछ पेड़ लेते हैं नॉन वेज सा, और अन्नू जो झूला ढूंढ रही थी ना वो फाइनली मिल गया, फिर से रुकना पड़ेगा, पहले अब उसका झूला देख लेते हैं। सतन ना तंचा सतन शासन सतन शासन स्प्रिंग लगाना है शासन ना सतन शासन इकाई थोड़ा कम ना सुच बोर्डक पढ़ते पढ़ते इस पे सो जाओ, वो वाला देखना वो तो बड़ा, वो दो बंदों का इसमें तो है कि अब हम निकल रहे हैं, ये बंजारा मार्केट का बाहर वाला साइड है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, जहाँ से आप एंट्री करते हो तो आते से पहले आपको यहाँ पर ये दिखता है, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको आते ही मिलती है, तो आते ही पहली शॉप पे ही लेना स्टार्ट मत करना, थोड़ा अंदर जाना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करना, थोड़ा जगह को देखना अच्छे से, और उसके बाद आपको प्राइसिंग का यहाँ पे समझ आ जाएगा क्या सीन है। ठीक है चलो अब हम निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, बाय। तो चलिए अब वक्त आता है आपको मेरी लर्निंग बताने का, ट्रिक बताने का जो आप वहाँ जाके यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो अगर आपके पास पैसे हैं खुले पैसे हैं तो आप जाइए वहाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी किसी को दे दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना वो प्राइस बोले उससे थोड़ा सा कम आप कर लो। बट अगर आप बजट शॉपिंग लेकर के जा रहे हो, आपके पास कम बजट है, तो यहाँ पर जो आपको पहला प्राइस कोट किया जाएगा ना वो आपको 4 times हायर दिया जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको रश के टाइम क्यों जाना है, इसलिए जाना है बिकॉज ये मार्केट जो है ना यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर किसी के पास सेम चीज़ें हैं, तो जब रश ज़्यादा होता है ना तब ये लोग ना बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है आप जो प्राइस बोलोगे तो ये वो आपको दे देंगे, बिकॉज इनको पता है कि ये दूसरे से जाकर ये चीज़ ले सकता है, तो वो सोचते हैं कि मैं ही ये चीज़ जो है निकाल।
और उनके दोपहर के टाइम या उनके लंच के टाइम तो आप बिल्कुल जाने की गलती मत करना, बिकॉज उस वक्त तो बिल्कुल सुस्त पड़े होते हैं सारे। अगर आप उस टाइम पर जाओगे ना और आप उनको कोई प्राइस बोलोगे तो उनका उस वक्त बेचने का कोई मूड नहीं होता है, वो लेटे रहेंगे। आप उनको प्राइस बोलोगे, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ, ठीक है। इसीलिए जब आप शाम को जाओगे वो एक्टिव मोड में वहाँ पर होते हैं। आप सैटरडेज़ को जाओ, संडेज़ को जाओ शाम को, ठीक है, और ढेर सारी शॉपिंग करो, बहुत कुछ आपको वहाँ मिलेगा, मिनिमम प्राइजेज़ में मिलेगा। बट आप एक चीज़ देखना, जो भी आर्टिकल्स रस्टी आर्टिकल्स होते हैं वो सब आप अवॉइड ही करो लेना, बिकॉज वो एनीवेज़ किसी काम का नहीं है। और जो ये आप झूला भी देख रहे हो ना इस वीडियो में, ये भी आपको वहाँ पे 3,500-4,000 में मिल जाएगा आराम से। आपको चीज़ें जो है आपके सेट प्राइस पे मिल जाएंगी। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखो आप, कि एक तो आपको शाम को जाना है, दूसरा जो भी आपको प्राइस बताया जाएगा वो आपको 5 times 6 times हायर बताया जाएगा, बिकॉज कहीं कहीं पर उनका सट्टा लग जाता है, कोई कोई 6 times हायर देकर भी जाता है। बट अगर आप बजट शॉपिंग लेकर जा रहे हैं तो आप जो है प्राइस अपना 5-6 times जो उन्होंने बोला है वो कम बोल के जाओ, और शाम के टाइम जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग दैट यू हैव गॉन फॉर। तो यही मेरा लर्निंग था वहाँ से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैंने जो है लिमिटेड शॉपिंग करी है, ज़्यादा भी नहीं करी है, बिकॉज आई हैव सेल्फ कंट्रोल। तो बस वही कहना है। अभी आपको जो है मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, लव यू गाइज।